और एक बार शिव पार्वती जी ने एक निर्णय लिया। पार्वती जी बोली, बहुत दिन हो गए पर्वत पर बैठे हुए, चलो एक बार ब्रह्मांड में पूरी धरती पर भ्रमण करके आते हैं। और यह निर्णय करने के बाद शिव पार्वती ने भेष बदला और पृथ्वी पर भ्रमण करने आ गए। तो जब भ्रमण कर रहे थे तो पार्वती जी ने एक बात कही कि देखिए स्वामी, देखिए ये जो वृद्ध महिला और पुरुष जा रहे हैं ये देखने में बड़े गरीब लग रहे हैं और ये बार बार आपकी आराधना कर रहे हैं, बार बार बोलते आ रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ये आपकी इतनी आराधना कर रहे हैं और बुजुर्ग दंपत्ति होने के बाद भी ये गरीब लाचार और बेबस हैं, ऐसा क्यों, इतना अनर्थ क्यों किया आपने? मुझे ऐसा लगता है कि शिव महाराज आपको इन्हें समृद्ध बना देना चाहिए, इनको धन दौलत शौहरत सब कुछ देना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं लेकिन इनके अंदर एक कमी है और वो कमी ये है कि ये दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं, दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, बार बार उनके ऊपर व्यंग करते हैं, उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं, कितने भी अच्छे हों लेकिन उसके पीछे उसकी बुराई जरूर करते। तो पार्वती ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा करते होंगे, आपको कैसे पता? तो भगवान शिव ने कहा मैंने इनको पहले कई बार मौका दिया समृद्धि पाने का, मैंने इनको पहले कई बार मौका दिया जीवन में समृद्ध बनने का, लेकिन जब भी मैंने इनको मौका दिया उस मौके से ठीक पहले इन्होंने किसी ना किसी व्यक्ति की बुराई की, किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में द्वेष भावना पैदा की, किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में गलत कहा और उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो पार्वती ने फिर गुस्सा होकर कहा नहीं नहीं, मेरे को इस बात पर विश्वास नहीं है, इनको एक मौका। तो पार्वती जी ने कहा कि इनको एक मौका और दो। तो भगवान शिव ने कहा तो लेट मी गिव हिम अ सेकंड चांस। भगवान शिव ने कहा कि मैं इनको एक और चांस देता हूं और एक और चांस दिया। भगवान शिव ने कहा कि जैसे ये व्यक्ति यहां से 50 कदम आगे जाएंगे इनके आगे मैं भंडार बिछा दूंगा, सोने की अशर्फियां, हीरे, जवाहरात, मालाएं, सब कुछ इनके आगे बिछा दूंगा और 50 कदम बाद जाके इनको सब कुछ मिल जाना है और ये धनवान हो जाएंगे, लेकिन इनको 50 कदम चलना होगा। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो पार्वती ने कहा चलो इतना तो ओके है, इतना काम तो ये कर सकते हैं कि 50 कदम आगे जाएं। और जैसे ही वो भगवान शिव ने 50 कदम बाद उनके पास सारा सब कुछ धन दौलत अशर्फियां सोने हीरे जवाहरात सब बिछा दिए, ठीक उसी समय पर एक अंधा कपल उनके सामने से गुजरा। वाइफ भी अंधी थी, हस्बैंड भी अंधा था, वो दोनों वहां से गुजरे तो उसकी वाइफ, वो जो वृद्ध थे अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने देखा और उनका मजाक उड़ाया, अरे देखो देखो हस्बैंड भी अंधा है और वाइफ भी अंधी है, अरे ये दोनों ही अंधे थे जरूरी शादी करना, एक तो आंख वाले से कर लेता ताकि एक दूसरे का ध्यान रखा जाता। और जब ऐसा बोल के वो लोग वृद्ध जो अंधे थे वो वहां से निकल गए और वो लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे। मजाक उड़ाते उड़ाते उसकी वाइफ के मन में एक मजाक आया, अरे जरा एक काम करते हैं, हम भी जरा चेक करें अंधे अगर होते हैं तो चलने में कैसा मजा आता है। कहता हाँ हाँ चलो अंधों की आज एक्टिंग करते हैं। हस्बैंड भी कहता है यार तू अकेली क्यों बन रही है, वो तो दोनों थे ना, चल मैं भी अंधे की एक बार प्रैक्टिस करके देखता हूं। तो वो दोनों आंख बंद करते हैं, कहता देख लो अंधों के साथ ऐसा ही तो सालों को ठोकर लगती ही लगती है। वो पैर से हटाते हैं और आगे जाते हैं, और पैर से हटाते हैं और आगे जाते हैं, और पैर से हटाते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हुए जाते हैं और 50 कदम पार करने के बाद आगे निकल जाते हैं और आंखें खोल के कहते हैं अच्छा देखा अंधे को कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बोल के वो अपने घर चले जाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं देखा मैंने कहा था ना, इनको मैंने एक बार नहीं मैंने कई बार मौका दिया है, लेकिन इनके अंदर क्या कमी है कि दूसरों की कमियां देखते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अच्छा है या बुरा इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा और बुरा आप अपने लिए हो सकते हैं, लेकिन यदि आप दूसरे व्यक्तियों के लिए हमेशा सकारात्मक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनकी कमियों पर ध्यान ना देते हुए उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो जीवन में सफलता के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं।